नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह की पहली शिला रख दी है। इसके साथ ही कई वर्षों से तराशे जा रहे पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने कहा कि 500 साल से इसका इंतजार था। उन्होंने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। ये मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। योगी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने मंदिर निर्माण कार्य में लगने वाले आर्किटेक्ट और कारीगरों को भी सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आक्रांताओं ने राम मंदिर पर गलत नियत से हमला किया था। हमारी 500 वर्षों की तपस्या अब सफल रही है। अब हमें अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के रूप में विकसित करना है। अयोध्या को वैश्विक स्तर पर विकसित किए जाने की घोषणा सीएम योगी ने इस मौके पर की। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल पहले रामलला के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू कराया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।